Hello students, welcome to lecture 2 of chapter 4, that is reproductive health. My name is Dr. Shubham Kaushik and I am senior biology faculty at PP Savani Center for Excellence. ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ा था. ठीक है, बर्थ कंट्रोल के बारे में हमने पढ़ा था, पॉपुलेशन एक्सक्लूशन के बारे में पढ़ा था. ठीक है, और फाइनली जो हम लोग एक टॉपिक पे पहुंचे थे, दैट इज बर्थ कंट्रोल. ठीक है, कि कैसे हम लोग मेनली इंडिया में कैसे बर्थ कंट्रोल करें, कैसे हम अपने बहुत फास्टली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें जो है बहुत सारे मेथड्स बताए थे. ठीक है, जो कि यूजर फ्रेंडली होने चाहिए, साइड इफेक्ट्स नहीं होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए और कम्प्लीटली इफेक्टिव होना चाहिए. तो ये सारे मेथड जो है जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े, वो हम लोग एक एक करके यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, कौन कौन से मेथड्स है वो हम लोग देख लेते हैं. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन कौन से हैं, कुछ नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जो बहुत पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं, बैरियर मेथड्स. ठीक है, कि कैसे हम लोग जो है मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट के बीच में बैरियर बना सकते हैं, इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस. ठीक, यूट्रस में कुछ ऐसे डिवाइसेस फिट कर दिए जाते हैं जिसकी वजह से जो है फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कुछ पिल्स होते हैं, कुछ मेडिसिन होते हैं जो अगर जो है खा लिए जाए तो रिप्रोडक्शन या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होता. इंजेक्टेबल्स होते हैं जो बॉडी में इंजेक्ट किए जा सकते हैं. ठीक है, उसके बाद मोस्ट कॉमन दैट इज सर्जिकल मेथड्स. ठीक है, जिसमें ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी आता है, जिसमें फेलोपियन ट्यूब या फिर वॉस डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, जिससे वो पर्सन जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता. ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इस टॉपिक्स को जो है स्टडी करते हैं. फर्स्ट है नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड. ठीक है, इसमें मेजर एम जो है यहाँ पे वो क्या है, अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम स्पर्म लीकिंग. ठीक है, चांसेस हम कम करेंगे. ठीक है, ये बहुत इफेक्टिव मेथड नहीं है. ठीक है, इसके जो चांसेस हैं वो बहुत मेथड जो एफिशिएंसी है वो बहुत कम है. ठीक है, तो ये मेथड जो है लोग मोस्टली यूज नहीं करते हैं आजकल. ठीक है, इट इंक्लूड्स पीरियडिक, ठीक है, एब्सेंस मींस पीरियडिक एब्सेंस को यूज करेंगे, अवॉइड कोइटस फ्रॉम डे 2-17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे 10-17 है उसमें ओवम जो है रिलीज होता है, तो उस टाइम पे कोइटस को अवॉइड करेंगे तो जो चांसेस है प्रेगनेंसी के कंसेप्शन के वो कम हो जाते हैं. ठीक है, उसके बाद विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस. ठीक है, इसमें क्या है, विड्रॉल ऑफ पेनिस फ्रॉम वजाइना जस्ट बिफोर एजुकुलेशन. ठीक है, तो सीमन जो है फीमेल बॉडी में इजेक्ट नहीं होगा, जैसे स्पर्म जो है वो फीमेल बॉडी में नहीं जाएंगे तो जो है प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम होंगे. ठीक है, उसके बाद है लैक्टेशनल एम्नियोटिया, इट इज द प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन बाय ब्रेस्ट फीडिंग द चाइल्ड. ठीक है, जब तक मदर जो है ब्रेस्ट फीड करती है उसका ओवुलेशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लैक्टेशन. ठीक है, उसका ओवुलेशन नहीं होगा, तो अगर लैक्टेशन के टाइम पे कोइटस होता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं. ठीक है, तो ये मोस्टली जो है 6 मंथ तक चलता है, फॉलोइंग पार्चुरेशन डिलीवरी के 6 महीने तक ओवुलेशन नहीं होता है. ठीक है, चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ दिस मेथड आर हाई. ठीक है, तो इन सब के चांसेस जो है फेल होने के बहुत ज्यादा हाई है. ठीक है, तो ये मेथड जो है आजकल नहीं यूज किए जा सकते फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल. उसके बाद है बैरियर मेथड, जो बाकी कॉमन मेथड है. ठीक है, इसमें हम लोग फिजिकली जो है स्पर्म को और ओवम को मीट होने से, मिलने से जो है हम लोग प्रिवेंट करते हैं. ठीक है, मोस्टली कॉन्डम्स. ठीक है, हम लोग यूज करते हैं विच प्रिवेंट द इजेकुलेशन ऑफ स्पर्म इनसाइड द वेजाइना ऑफ फीमेल. ठीक है, मोस्टली जो इम्पोर्टेंट ब्रांड है वो है निरोध, इट प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम एसटीडीज एंड एड्स. ठीक है, तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, फर्स्ट तो ये प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर रहा है, प्रेगनेंसी होने से रोक रहा है. दूसरा, अगर जो पार्टनर है अगर उसे कोई एसटीडी है तो उससे भी जो है पार्टनर को बचाएगा. इट इज डिस्पोजेबल, इसको हम डिस्पोज कर सकते हैं. इट कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, देयर बाय गिव प्राइवेसी टू यूजर. ठीक है, इसमें कोई मेडिकल हेल्प की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हम लोग डायफ्राम सर्वाइवल कैप्स एंड वॉल्स मेड अप ऑफ रबर, दोज आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग कोइटस. ठीक है, इसमें जो है सर्विक्स को जो है कवर करते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो फेलोपियन ट्यूब तक ट्रांसफर नहीं कर सकते. दे ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स, दे आर रीयूजेबल. ठीक है, उसके बाद कुछ और एजेंट जैसे स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीस एंड फॉर्म, दे आर यूज्ड टू इंक्रीज द
कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये क्रीम्स यूज किए जाते हैं जेलिस यूज के, जो स्पर्म को जो है मोस्टली जो किल कर देते हैं, स्पर्म को जो है इमोटाइल बना देते हैं, तो वो ओवम तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारा आता है यहाँ पर इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस, जिसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं आईयूडी। दीज आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेज इन द यूटरस थ्रू वजाइना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं नीट में, तो ये आपको याद रखना है। नॉन मेडिकेटेड आईयूजी, जिसका कॉमन एग्जाम्पल है लिपेज लूप, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, जिसको कॉपर टी, कॉपर सेवन, मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, प्रोजेस्टेरॉन, एलएनजी 20। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन मोस्टली हर साल आते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, ये आपको नाम याद रख लेने हैं। क्या करते हैं ये, इंक्रीजेस फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विदाउट द यूटरस, ठीक है, विद इन द यूटरस। ये क्या करते हैं, स्पर्म जो है उसको जो है यूटरस के सेल्स जो है किल कर देते हैं, उन्हें एनगल्फ कर लेते हैं, उसको हम फेगोसाइटोसिस बोलेंगे। तो स्पर्म जो है ओवम तक पहुंच ही नहीं पाता। एंड द कॉपर आयन रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, जो इसको कॉपर टी है, कॉपर सेवन, ये क्या करते हैं, कॉपर आयन जो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाती है, इसको मूव नहीं कर पाता, स्पर्म मूव नहीं कर पाएगा, ओवम तक नहीं पहुंच पाएगा, तो जो फर्टिलाइजेशन जो कैपेसिटी है स्पर्म की वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है एक एलएनजी 20 का डायग्राम यहाँ दिखाया है, दिस इज लिपेज लूप, ठीक है, दिस इज अवर कॉपर टी एंड दिस इज लिपेज लूप, दिस इज अ हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, मेक द यूटरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विस हॉस्टाइल टू स्पर्म, ठीक है। तो ये मोस्टली हार्मोन रिलीज करते हैं। आईओडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस बिटवीन चिल्ड्रन, ठीक। तो ये मोस्टली फीमेल्स यूज करते हैं, विच जो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहते हैं या दो चिल्ड्रन के बीच में स्पेस लाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड हमारा आता है, दैट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हैं, जिसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है हॉर्मोन्स का, ठीक है, और उसको पिल्स की फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। ये पिल्स कैसे यूज करना है, दे आर टेकन डेली फॉर 21 डेज, स्टार्टिंग विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्टिंग डे से ये जो पिल्स जो है लेना स्टार्ट करेंगे, लगातार 21 डेज तक लेंगे, ठीक है। आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज, ठीक है, ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर्स, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो है उसको गैप कर देंगे, तो मेंस्ट्रुएशन टोटल 28 डेज का है, तो हम लोग 7 डेज नहीं ले रहे, 21 डेज ले रहे। इट हैज टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर्स टू प्रिवेंट कंसेप्शन, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस लेना पड़ेगा ओरल पिल्स, जिससे वो कंसेप्शन ना हो, प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है। ये क्या करते हैं, दे इनिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मोस्टली ओवुलेशन को इनिबिट करते हैं, एग रिलीज होगा, एग रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं है। इम्प्लांटेशन की चांसेस को कम करते हैं, इम्प्लांटेशन नहीं होगा यूट्रस की वॉल पे। सर्वाइकल म्यूकस के रिलीज को कम कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाएगी फेलोपियन ट्यूब पे। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट, ये काफी इफेक्टिव होते हैं और इनके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं, ठीक है। एक कॉमन जो है इंडिया में जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज किया जाता है उसका नाम है सहेली, ठीक है। फॉर द फीमेल्स इट कंटेन्स ए नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन, ठीक है, स्टेरॉयड नहीं है। मोस्टली जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हम लोग यूज करते थे या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज होते थे अभी तक, वो स्टेरॉइड्स होते थे उसमें, ठीक है। तो प्रेगनेंसी को तो वो कंट्रोल कर लेते थे, बट स्टेरॉइड जो है बॉडी को काफी हार्म पहुंचाते थे, क्योंकि एक्सेस स्टेरॉइड जो है वो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, किडनी के लिए काफी हार्मफुल होता है, मसल गेन कराता है, ठीक है। इसलिए जो मोस्टली जिम जाते हैं वो लोग स्टेरॉइड लेते हैं जल्दी से मसल गेन करने के लिए, बॉडी बनाने के लिए। बट ज्यादा अमाउंट ऑफ स्टेरॉइड अगर हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं या इन पिल्स के थ्रू लेते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है, और वो प्रेगनेंसी में भी हार्मफुल कर सकता है और वो चाइल्ड को भी हार्म कर सकता है, ठीक है। तो ये जो पिल है वो उसमें नॉन स्टेरॉइडल है, मीन्स इसमें स्टेरॉइड नहीं है,
is a once a week pill with वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू. ठीक है, हफ्ते में एक बार लेना, जैसे पहले हम लोगों ने पढ़े थे वो 21 डेज तक लगातार लेना था, ये सिर्फ वीक में एक बार खाना है. ठीक है, और इसके साइड इफेक्ट बहुत कम है और कॉन्ट्रासेप्शन जो रेट है वो काफ़ी हाई है. ठीक है, तो ये हम लोगों को नाम जरूर याद कर लेना है. ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बहुत बार नीट में आते हैं. ठीक है, कि नॉन स्टेरॉयडल ओरल कॉन्सेप्ट पूरा ओरल जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो कौन कौन से हैं, तो वो आपको नाम जरूर याद रखना है. ठीक है, जो पहले हम लोगों ने अभी इससे पहले पढ़े थे ये सारे नाम. ठीक है, लिपेज लूप, कॉपर टी, कॉपर सेमन, मल्टीलोड 375, प्रोजेस्ट्राट, LNG 20, ये सारे नाम, इनके फंक्शंस कैसे करते हैं, ये फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, वैसे ही यहाँ पर जो है ये पिल्स जो है कॉमन जो पिल्स आते हैं उनके नाम हमको याद रखने हैं. ठीक है, सहेली पिल जो है वो नॉन स्टेरॉयडल है, उसका नाम हमको याद रखना है. ठीक है, तो ये मोस्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे, ये आपके गलत नहीं होने चाहिए. उसके बाद आते हैं इंजेक्टेबल्स. ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन्स अलोंग और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन आर यूज्ड बाय फीमेल्स एज इंजेक्शंस फॉर इम्प्लांट. ठीक है, तो इस पहले वाले में क्या था, इसमें मोस्टली पिल्स हम लोग यूज कर रहे थे, यहाँ पर इंजेक्शन के थ्रू या इम्प्लांट के थ्रू स्किन में जो है इम्प्लांट लगाते हैं, स्किन के अंदर इसको इम्प्लांट कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं. ठीक है, और ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है. देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर. ठीक है, तो ये काफी टाइम तक चलेंगे, तो रोज अगर किसी को पिल नहीं खाना है या 7 डेज में पिल नहीं खाना है तो वो इंजेक्टेबल्स यूज कर सकते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईडी विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस इज वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव. ठीक है, तो अगर किसी ने कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं किया और कोइटस किया, ठीक है, और वो प्रेगनेंसी नहीं चाहती है, तो हम लोग ये इंजेक्टेबल्स या ये पिल्स यूज कर सकते हैं 72 आवर्स के अंदर, तो जो है चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत कम हो जाते हैं. ठीक है, तो प्रेगनेंसी इसमें अवॉइड की जा सकती है. ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग. उसके बाद है सर्जिकल मेथड्स. ठीक है, जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं. ठीक है, इसका एक प्रोग्राम भी इंडिया में चला था. ठीक है, इसमें स्टेरलाइजेशन किया जाता है. स्टेरलाइज मतलब जो ह्यूमन जो है अब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, मीन्स उसको स्टेरलाइज कर दिया. ठीक है, तो इसके मोस्टली यहाँ पर दो मेथड है. ठीक है, स्टेरलाइजेशन टू ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन. ठीक है, तो ये गैमेट ट्रांसफर को प्रिवेंट करेगा. इट इज वेरी इफेक्टिव बट रिवर्सिबिलिटी इज पुअर. ठीक है, इफेक्टिव है बट रिवर्स नहीं हो सकता. ठीक है, अगर किसी ने स्टेरलाइजेशन करा लिया और 2 साल बाद वो चाहता है कि वो एक और बच्चा करना चाहता है, ठीक है, एक और चाइल्ड उसको चाहिए, तो रिवर्सिबल नहीं है. ठीक है, ये बहुत कम चांसेस है रिवर्स होने के. ठीक है, तो उस केस में ये थोड़ा जो है इसके साइड डिसएडवांटेजेस है कि ये रिवर्सिबल नहीं है. फर्स्ट है इसमें वेसेक्टोमी इन मेल्स, स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस इज रिमूव और टाइड अप टू स्मॉल इंसिशन ऑन द स्क्रोटम. ठीक है, स्क्रोटम में थोड़ा सा कट लगाते हैं और जो वास डिफरेंस उसे कट करके टाई कर देते हैं, जिससे जो स्पर्म जो है वो टेस्टिस से बाहर नहीं जा सकते वास डिफरेंस के थ्रू, यूटेरस में नहीं जा सकते. ठीक है, दूसरा है फीमेल्स में ट्यूबिक्टोमी करते हैं, जिसमें जो फेलोपियन ट्यूब है उसको कट करके टाई कर दिया जाता है, जिससे जो है एग जो है वो फेलोपियन ट्यूब में आके मूव नहीं कर सकता, स्पर्म और एग जो है वो जो है मिल नहीं पाएंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो ये जो है वास वैसेक्टोमी का डायग्राम हमने दिखाया. दिस इज वास डिफरेंस जो टेस्टिस से आता है, दोनों टेस्टिस से दोनों जगह इसको कट करेंगे. ठीक है, वास डिफरेंस को कट करके जो है यहाँ पे टाई कर देंगे, जिससे जो है जो स्पर्म जो टेस्टिस से आने वाले थे वो अब आगे यहाँ से मूव नहीं कर पाएंगे, तो जो है फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो है 100% स्टॉप हो जाएंगे. दूसरे वैसेक्टोमी में जो है यहाँ पे हमने देखा कि फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया. ठीक है, तो जो स्पर्म है वो अब एग तक नहीं पहुंच पाएंगे, जो ओवरी यहाँ से एग रिलीज करेगा वो इसी पोर्शन में रहेगा एग, और स्पर्म जो है वो यहाँ से वजाइना से सर्विक्स के थ्रू आने वाले थे, तो एग और स्पर्म जो है यहाँ पर मीट नहीं कर पाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा. ठीक है, ये यहाँ पे डिफरेंस दी है बिटवीन वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, बहुत सिंपल मेथड्स है.
ठीक है, ये मेल्स में यूज होगा वैसेक्टोमी, और ट्यूबेक्टोमी जो है फीमेल्स में किया जाएगा। वैसेक्टोमी में वॉस डिफरेंशिया को, दोनों वॉस डिफरेंशिया दोनों टेस्टिस से आने वाले, उनको कट किया जाएगा और टाई किया जाएगा। ट्यूबेक्टोमी में दोनों ओविडक्ट्स, दोनों ओवरी से आने वाले जो ट्यूब्स हैं उनको कट किया जाएगा। ठीक है, ये पैसेज ऑफ स्पर्म को प्रिवेंट करेगा, ये पैसेज ऑफ ओवम या ओवा को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर टू कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट मेथड देखे, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी। बेसिक नाम वैसेक्टोमी किसमें होता है, ट्यूबेक्टोमी किसमें होता है, वो हमको याद रखना है, इसका उल्टा नहीं कर देना है। ठीक है, उसके बाद इंजेक्टेबल जो है इसके और भी कुछ नाम होते हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डालूंगा। ठीक है, वो हमको याद रखने हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में हम लोगों को याद रखना है, सहेली बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉन स्टेरॉयडल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। उसके बाद जो नॉर्मल हार्मोनल जो आते हैं जिसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होता है, वो 21 डेज रेगुलर लिए जाते हैं विद 7 डेज ऑफ गैप। ठीक है, उसके बाद इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस, इनके नाम याद रखने, लिपेज लूप, ठीक है, जो हार्मोन रिलीजिंग होते हैं और यो यूट्रस को अनसुटेबल कर देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। ये सारे नाम हमको याद रखने हैं, जो कि लिपेज लूप, कॉपर टी, कॉपर सेमन, ठीक है, और इनके फंक्शंस हमको याद रखने हैं कि वो क्या करते हैं, कि फैगोसाइटोसिस बढ़ा देते हैं स्पर्म की, जिसकी वजह से स्पर्म जो है एग तक नहीं पहुंच पाते। कॉपर आयन जो है कॉपर टी, कॉपर सेवन रिलीज करते हैं, ये स्पर्म की मोर्टिलिटी को जो है रोक देते हैं, इसको मूव नहीं कर पाता, जो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। ठीक है, ये कुछ कॉमन मेथड थे, डाइफ्राम सर्वाइकल मेथड्स, ठीक है, कॉन्डम्स, निरोध जो है पॉपुलर ब्रांड है इसके लिए, और ये नेचुरल मेथड है जो मोस्टली यूज नहीं करना चाहिए, जिसका जो चांसेस है एफिशिएंसी वो बहुत कम है, तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ये इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आपको ये मिस नहीं करना है। ठीक है, इसमें जो भी किसी को कोई डाउट है, इन सारे मेथड्स को हम लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, इसके नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़ना है, और प्रीवियस 5 ईयर्स, एटलीस्ट प्रीवियस 5 ईयर्स के जो भी चैप्टर हो जा रहे हैं, ठीक है, जो भी चैप्टर हो जा रहे हैं उनके प्रीवियस 5 ईयर्स आपको कंप्लीट कर लेने हैं क्वेश्चंस जो है, और वो आप करके मेरे को भेजिए। ठीक है, और अगर किसी में डाउट है तो उसको पूछिए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, उसमें से पिछले 5 साल में जो भी क्वेश्चन आए वो सही होने चाहिए आपके, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, उसमें से जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सही होने चाहिए। जितने डीपीपी में भेज रहा हो वो सबको सॉल्व करना है, 2-3 लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए। ठीक है, जो नहीं करेगा उसको क्लास खुलने के बाद मैं छोड़ने वाला नहीं। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन ये 2 चैप्टर से, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, और 5 क्वेश्चन आप मान लीजिए दोनों स्टार्टिंग के चैप्टर से, तो अराउंड 10 क्वेश्चन जितना हम लोगों ने ये 4 चैप्टर में कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है, 10 क्वेश्चन मीन्स 40 मार्क्स। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है कि हम लोग इन चैप्टर्स को समझ ना सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। जो भी डाउट्स है आप क्लियर किए, और विदाउट डिले आपको पढ़ते रहना है। ऐसा नहीं है कि कोई देखने वाला नहीं है तो आपको पढ़ना छोड़ना है, वीडियो नहीं देख रहे, बहुत सारे लोग जो है वीडियो नहीं देखते हैं इसलिए उनको कोई डाउट नहीं आता है, बट उनको आगे प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, अभी जो है मेडिकल के सीट्स बढ़ने वाले हैं अगले साल। ठीक है, तो आपके पास ये गोल्डन चांस है कि आप थोड़े कम मार्क्स लाके भी डॉक्टर बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, मोस्टली 25,000 सीट्स जो है वो बढ़ने वाले हैं, तो अराउंड 1 लाख सीट्स हो जाएंगे, जो 2 साल पहले 55,000 हुआ करते थे सीट्स, वो 1 लाख हो जाएंगे, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है।